नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज बात करेंगे देव उठनी एकादशी, यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को देव उठनी एकादशी या फिर प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मित्रों, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पूर्व आपको बता दूं कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वहां से भगवान नारायण शयन करने के लिए पाताल लोक में देवताओं के साथ चले जाते हैं, जो कि 29 जून 2023 को था। और यहाँ पे अब देव उठनी जो एकादशी है वह 23 नवंबर 2023 यानी कि गुरुवार के दिन देव उठनी एकादशी होगी, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष। मित्रों, देव उठनी एकादशी जो है उससे पूर्व की मैंने बात की कि सारे देवता शयन करते हैं, उस दरमियान यानी कि उस बीच कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, जैसे गृह प्रवेश, विवाह, उपनयन संस्कार, वास्तु पूजन, ऐसे शुभ कार्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। लेकिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन, देव उठनी एकादशी या फिर प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह होता है। तुलसी विवाह को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और वहां से सारे देवता शयन कक्ष यानी भगवान नारायण के साथ से उठकर और भगवान विष्णु अपने कार्यभार को पुनः एक बार संभाल लेते हैं। उस दिन से सारे मांगलिक कार्य जैसे कि शादी विवाह, उपनयन संस्कार, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, वास्तु पूजन, ऐसे जो मांगलिक कार्य हैं ये प्रारंभ हो जाते हैं। और साथ ही साथ में शुभ कार्य जब आरंभ होते हैं तो उस दिन से भगवान नारायण का पूजन किया जाता है या फिर उस दिन भगवान नारायण का तुलसी विवाह होता है। तुलसी विवाह जब करते हैं एकादशी के दिन, एकादशी ऐसे ही तिथियों में बहुत महत्वपूर्ण तिथि मानी गई है, यानी कि साक्षात भगवान नारायण का ही दिन है एकादशी। और कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी का अद्भुत महत्व है शास्त्रों में। इस दिन क्या करना चाहिए, भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करें और शालिग्राम भगवान का तुलसी के साथ विवाह होता है। बहुत सारे लोग प्रातः काल करते हैं, बहुत सारे लोग सायंकाल करते हैं। सायंकाल के समय अगर किया जाए तो अत्यंत उत्तम माना जाता है। या जो 4.5 महीने का समय था जब देव शयन कर रहे थे, उस समय साधु संत इत्यादि, इसको चतुर्मास के नाम से भी जाना जाता है, साधु संत महात्मा इत्यादि तप करते हैं, सिद्धि के लिए अनेकानेक प्रकार के यत्न करते हैं। बहुत सारे लोग चतुर्मास का व्रत और अनुष्ठान इत्यादि गृहस्थ जीवन में भी करते हैं, जिससे जीवन में अनेकानेक प्रकार के उनके जीवन में बदलाव देखने को मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन भी किया जा सकता है। उसके अलावा भगवान शालिग्राम का विधिवत पूजन करते हैं सायंकाल के समय में, और किसी भी ब्राह्मण को बुलाकर 16 उपचार पूजन करवाएं, और पूजन करवाने के बाद तुलसी विवाह यहाँ पे संपन्न किया जाता है। और तुलसी विवाह जब संपन्न हो जाता है तो यहाँ से मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन भी आप कर सकते हैं, हवन भी कर सकते हैं। ऐसे समय में यहाँ से फिर गृह प्रवेश, वास्तु पूजन, मांगलिक कार्य यानी विवाह, उपनयन संस्कार, ऐसे शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं और यहाँ से भगवान नारायण अपने काम को संभाल लेते हैं। तो मित्रों, ऐसे आप भी अपने जीवन में अगर चाहते हैं कि भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा हो, तो देव उठनी एकादशी यानी प्रबोधिनी एकादशी के दिन आप भी विधिवत व्रत करें, पूर्ण ब्रह्मचर्यता का पालन करें, व्रत करें और उस दिन भगवान विष्णु का और माँ लक्ष्मी का पूजन करें या फिर भगवान शालिग्राम का पूजन करें। पूजन करके भगवान को तुलसी पत्र समर्पित करें, यानी कि सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम के द्वारा भगवान नारायण को तुलसी दल, 1000 तुलसी पत्र अगर आप चढ़ाते हैं संकल्प करके, तो निश्चित तौर पर अनेकानेक प्रकार के मनोकामनाओं की सिद्धि होती है। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।